హలో ఫ్రెండ్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. దేవనాగరి ఏక్ భారతీయ లిపి హై జిస్మే అనేక భారతీయ భాషాయే తథా కై విదేశీ భాషాయే లిఖీ జాతీ హై. యహ బాయే సె దాయే లిఖీ జాతీ హై. ఇస్కీ పహచాన్ ఏక్ క్షితిజ రేఖా సె హై జిసే శిరో రేఖా కహతే హై. दोस्तों, इसके हर वर्ड अलग है और कलात्मक है. दोस्तों, हम जब भी लिखते हैं तो हमें पेन 45 डिग्री एंगल में देख रहे हैं मैंने पेन किस तरह से होल्ड किया हुआ है. 45 डिग्री एंगल है, उसे चेंज नहीं करना, एक ही एंगल में उसे पकड़े रहना है. तो आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए. देवनागरी विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त लिपियों में से एक है. यह दक्षिण एशिया की 170 से अधिक भाषाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त हो रही है. देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है. यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है जो प्रचलित लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक है. भारत की कई लिपियां देवनागरी से बहुत अधिक मिलती जुलती है, जैसे बांग्ला, गुजराती, गुरुमुखी आदि.